खुशियों की अलामत हैं, फूलों से जिंदगी खिलखिला उठती है। एक दूसरे से खुशियां बांटने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। फूल जिनको देखते ही मुसर्रत का एहसास होता है, मगर ये फूल बेचने वालों की जिंदगी कितनी खारदार होती है इसका अंदाजा शायद हम में से किसी को ना हो। ऐसा ही एक शख्स 55 साला जुल्फकार अहमद, जो फूल बेचकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाता है, मगर अपनी जिंदगी में शायद वो हंसना भूल चुका है। जुल्फकार अहमद 30 साल से साइकिल पर मंडी से फूल ला रहा है। सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाने हैं, उतों फुल शुल खरीदने हैं, कट्ठे करने हैं, फिर कुछ आप भी तोड़ने ताड़ने हैं। बड़ी मेहनत के नाल ये सारा काम इकट्ठा कर करा के लैके आने, थकन थुकन हो जाती है, बड़ी मुश्किल नाल गुजारे होंगे ने। जुल्फकार अहमद ने जिंदगी के कई नशेबो फराज देखे हैं, मगर मौजूदा दौर में महंगाई की वजह से अक्सर जुल्फकार अहमद के बच्चों को भूखे सोना पड़ता है। मेरे 5 बच्चे ने कई कई रात बावजूद बारिशों के बीच भुखिया सोना पैंदा है, गुजारे नहीं होंगे। किराए का मकान है, 5,500 रुपया मकान का किराया देने आप बच्चे। जुल्फकार अहमद का कहना है कि मेरे पास अक्सर बड़ी गाड़ियों पर रईस सादे फूल खरीदने आते हैं और मैं इनको खुशी से फूल देता हूं, मगर कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे हालात कब बदलेंगे। बड़े बड़े अमीर लोग गड्डिया पजारुआं आते ने, उन्होंने फूल दे देते हैं, खुशियां मांडने हैं, तो किसी वेले सानू इन्ना दुख हुंदा है। असीं भी सोचने हैं यार साडे भी हालात कदों बदलणगे। जुल्फकार अहमद हुक्मरानों से नाराज दिखाई देता है। साडी कोई बंदा नहीं सुनता, जे वड्डे उस पीपल पार्टी वाले जाइए तो वो कहते हैं उन्हें जाओ, उन्हें जाइए कहते हैं उन्हें जाओ, कोई गरीब दी नहीं सुन रहे। उसका कहना है कि अजब ये रस्म है, चारागरों की बस्ती में लगा के जख्म नमक से मिसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को और अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। दूसरों की जिंदगी में फूलों से खुशियां बांटने वाले ये लोग अंदर से कितने दुखी हैं, कोई इनसे पूछे तो तब पता चले। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ मोहम्मद शाहिद चौधरी, न्यूज़ 5, लाहौर।